हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 8 का झारखंड के दो सपूत। ऐसे तो झारखंड में बहुत सारे वीर व्यक्तियों का जन्म हुआ है जिन्होंने अपनी कीर्ति से पूरे विश्व को अपना लोहा मनवाया है और इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में अपने नाम अंकित करवाए हैं। परंतु आज हम लोग जिनमें से जिन दो व्यक्तियों को पढ़ेंगे वो है जयपाल सिंह और बाबू राम नारायण सिंह। जयपाल सिंह को तो मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ धरती का भगवान कहा जाता है। ऐसे बिरसा मुंडा को भी धरती आबा कहा जाता है, धरती का भगवान। परंतु आज हम लोग जयपाल सिंह के बारे में ही यहाँ जानेंगे। तो हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। झारखंड की धरती पर ना केवल दिल को सुकून देने वाले हरे भरे वन क्षेत्र, चिड़ियों का कलरव, कलकल करती नदियाँ ही हैं, बल्कि ये अनेक वीरों की जन्मभूमि भी रही हैं। तिलका मांझी, सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा, तेलंगा, खड़िया, विश्वनाथ साहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी, वीर बुधु भगत, जतराव टाना भगत, वीर सलामत अली, अमानत अली और शेख हारो जैसे अनेक वीरों को भी अपनी गोद में खिलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। भारतीय इतिहास में अपने क्षेत्र का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित कराने वाले इन सपूतों ने झारखंड की गरिमा को अक्षुण बनाए रखा है। इस इतिहास के एक अध्याय की शुरुआत होती है भारतीय संविधान के निर्माण की कथा से, जिसमें जयपाल सिंह का विशेष योगदान रहा है। हमारी शासन व्यवस्था की नींव है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की अगर बुनियाद कहा जाए, नींव कहा जाए कि किस प्रकार शासन व्यवस्था चलाई जाए, तो वह हमारा भारतीय संविधान है। इसके निर्माण के लिए 1946 में गठित संविधान सभा में इस पावन धरा के दो सपूतों ने निर्वाचित सदस्य के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो इन दो सपूतों को उनमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे थे मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एवं बाबू राम नारायण सिंह। ये दो महान व्यक्ति थे जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ था संविधान निर्मित करने में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी में रांची जिले के तपकरा गांव में हुआ था। वे बचपन से ही मेधावी थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के मिशनरी स्कूल से हुई। बाद में वे संत पॉल्स स्कूल रांची आ गए। उनकी कुशाग्र बुद्धि तथा नेतृत्व गुणों से प्रभावित होकर मिशन ने सहायता देकर उच्च शिक्षा हेतु उन्हें संत जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड भेज दिया। उस जमाने में वो इंग्लैंड गए थे अपनी योग्यता, अपनी क्वालिटी के बल पर। वहाँ सन 1926 ईस्वी में उन्होंने अर्थशास्त्र में स्नातक की परीक्षा पास की। वहाँ इन्हें संत जॉन्स कॉलेज के जूनियर कॉमन रूम का प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे पहले किसी गैर ब्रिटिश छात्र को यह अवसर नहीं मिला था लेकिन ये पहले व्यक्ति थे जिनको प्रेसिडेंट वहाँ पर बनाया गया था कॉमन रूम का। श्री मुंडा 1927-28 ईस्वी में ICS में चुने गए। ICS की मौखिक परीक्षा में उन्हें सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए थे। इससे पता चलता है वो कितने कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड में 2 के प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। हॉकी से इनका गहरा लगाव था। वे हॉकी के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। सन 1928 ईस्वी में एमस्टरडम में आयोजित ओलंपिक खेलों के लिए इन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। इनके नेतृत्व में टीम ने स्वर्ण पदक हासिल कर विश्व में अपने देश का नाम रोशन किया। उस जमाने में विश्व में स्वर्ण पदक जीतने वाला देश हमारा भारत था। इस कारण इनका ICS का 1 का प्रशिक्षण छूट गया। हॉकी से इनका विशेष लगाव था, जिसके चलते ICS का 1 का प्रशिक्षण भी इनको छोड़ना पड़ा था। एमस्टरडम में वापस आने पर उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने का आदेश मिला। इस आदेश से उन्हें बहुत अपमान महसूस हुआ। फलतः उन्होंने ICS से त्यागपत्र देकर वर्मा सेल में सीनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य प्रारंभ कर दिया। वर्मा, जिसे भी म्यांमार कहा जाता है, तो वहाँ पर इन्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव पद मिल गया था। जब वे कलकत्ता, जिसे वर्तमान में कोलकाता कहते हैं, में कार्यरत थे, तब तारा वेनफ्रेड मजुमदार से उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम तारा वेनफ्रेड मजुमदार था। सन 1937 ईस्वी में वे प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज अचिमोटा घाना में कॉमर्स टीचर के रूप में नियुक्त हुए।
सन 1938 ईस्वी में राजकुमार कॉलेज रायपुर के वाइस प्रिंसिपल बनाए गए। इनके जीवन का पड़ाव धीरे धीरे ICS से लेकर के मजिस्ट्रेट वो एग्जीक्यूटिव पद संभालने से लेकर के शिक्षक बनने तक का रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और जिनके कार्यकाल में जिनके नेतृत्व में भारत को स्वर्ण पदक भी मिला था। मगर इन जगहों पर कार्य करने के दौरान भी आदिवासी समुदाय की दयनीय स्थिति उन्हें विचलित करती रही। ये वहाँ से तो निकल गए थे लेकिन आदिवासियों की स्थिति इनको अभी भी विचलित कर देती थी। यही कारण था कि सन 1938 ईस्वी में उन्होंने आदिवासी महासभा का गठन किया। उनका उद्देश्य आदिवासियों के लिए एक अलग झारखंड राज्य की स्थापना था। आदिवासी कल्याण के लिए उनके प्रयासों से प्रभावित होकर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें मरांग गोमके के नाम से पुकारने लगे, जिसका अर्थ होता है महान पुरुष या महापुरुष। इस प्रकार जयपाल सिंह मुंडा इस क्षेत्र के महान नेता बन गए। श्री मुंडा सन 1946 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वहाँ उन्होंने आदिवासी हितों के लिए आवाज़ उठाई। 19 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उन्होंने ओजपूर्ण भाषण दिया। उनके भाषण का एक महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है कि संविधान सभा का जब गठन हो रहा था 1946 में, तो उनका एक स्पीच आया था और वो स्पीच काफ़ी महत्वपूर्ण और ओजपूर्ण था। उन्हीं के कुछ अंश यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अब जब भारत अपने इतिहास में एक नया अध्याय शुरू कर रहा है तो हमें अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातों पर भरोसा करूं कि उन्होंने जो शब्द कहे उसे सही तरीके से लागू किया जाएगा। चूँकि आदिवासी समाज में जाति और लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं है, अतः उन्हें प्रजातंत्र की सीख नहीं दी जा सकती, बल्कि प्रजातंत्र उनसे सीखा जा सकता है। ये उनके भाषण के महत्वपूर्ण अंश थे और उस समय ही उन्होंने आदिवासियों को समानता का अधिकार दिलाने की चेष्टा की थी। इस भाषण के परिणाम स्वरूप आदिवासी समूहों को संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया तथा नौकरियों और विधायिका में 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण प्रदान कराने में जयपाल सिंह का विशेष योगदान था। गैर अनुसूचित जनजाति के रूप में आदिवासियों को मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने 20 मार्च 1970 ईस्वी को दिल्ली में सदा के लिए हमारा साथ छोड़ दिया। 20 मार्च 1970 को उनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग 30 वर्ष के उपरांत 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना का उनका सपना पूरा हुआ। लगभग 30 वर्ष के बाद उनके सम्मान में झारखंड सरकार ने रांची स्थित स्टेडियम का नाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रखा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय खेल हेतु निर्मित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल गांव का नाम जयपाल सिंह मुंडा गेम कॉम्प्लेक्स रखा गया। ये जयपाल सिंह मुंडा के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बाबूराम नारायण सिंह के बारे में। झारखंड के वनाच्छादित मनोरम तथा ममतामयी धरती के दूसरे सपूत थे बाबूराम नारायण सिंह। इनका जन्म 19 दिसंबर 1885 ईस्वी को वर्तमान चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड में तेतरिया जैसे छोटे से कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम भोली सिंह था, जो आर्थिक रूप से विपन्न किसान थे, काफ़ी गरीब थे और काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे बाबूराम नारायण सिंह। इनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय जोरी मिडल वर्नाकुलर स्कूल से हुई, जो कि चतरा जिले में ही पढ़ता है। तत्पश्चात हजारीबाग जिला स्कूल से सन 1908 ईस्वी में उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा पास की। वे बचपन से ही मेधावी थे। पिता की दयनीय आर्थिक स्थिति इनकी शिक्षा दीक्षा में बहुत बड़ा अवरोध थी। गरीबी के कारण वो उनकी पढ़ाई भी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, परंतु परिवार के लोगों ने इनके बुलंद हौसले और लगन को देखते हुए इनकी पढ़ाई जारी रखने का निर्णय लिया। चूँकि उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए एक ही विश्वविद्यालय कलकत्ता में था, अतः उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कलकत्ता यानी कोलकाता जाना पड़ा हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। वहाँ रिपन कॉलेज से सन 1913 में उन्होंने BA की परीक्षा पास की। उसी समय वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संपर्क में आए और उनसे समाज सेवा की प्रेरणा ली। सन 1914 ईस्वी में वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए, मगर मात्र 2 ही वर्षों में नौकरी से उनका मोह भंग हो गया। उन्होंने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया। नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद 1916 ईस्वी में उन्होंने पटना लॉ कॉलेज में नामांकन लिया।
सन 1919 ईस्वी में उनकी पढ़ाई पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने 1920 ईस्वी से पटना में वकालत शुरू की। 2-3 माह के बाद ही वहां से चतरा आ गए तथा वकालत शुरू की। नौकरी भी इन्हें मिली। नौकरी से फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और फिर से वो चतरा आकर के अपने अगले वर्क की ओर, अगले कार्य की ओर वो चल पड़े। अल्पावधि में ही वकालत में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। चतरा के अदालत में ही उन्होंने वकालत का काम शुरू किया और कम समय में काफ़ी नाम कमाया था, लेकिन देश सेवा के प्रति लगन ने पुनः उन्हें वकालत छोड़ने को बाध्य कर दिया। पर देश सेवा के का जो प्रेम था उनके मन में, उस प्रेम के आगे वकालत भी फीका पड़ गया। वे पूर्ण स्वराजी बनकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जिन महान व्यक्तियों का नाम है, योगदान है, उनमें बाबू राम नारायण सिंह का भी विशेष योगदान है। राम नारायण बाबू स्वतंत्रता आंदोलन में इतने सक्रिय रहे कि इन्हें 8 बार जेल जाना पड़ा, जहां इनके जीवन के 10 से अधिक वर्ष व्यतीत हो गए। सत्याग्रह आंदोलन जो कि 1920 में चला था, से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्ष 1947 तक देश की आज़ादी उनका प्रमुख ध्येय रहा और देश की आज़ादी में भी इनका प्रमुख योगदान रहा था। अपनी लगन, मेहनत, कर्मठता एवं लोकप्रियता के कारण 1927 ईस्वी से 1946 ईस्वी तक वे लगातार केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचित होते रहे। राम नारायण बाबू के व्यक्तित्व की विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। उनको डर नहीं लगता था ना अंग्रेज़ों से, ना ही किसी राजनीतिज्ञ से। वे अपनी बात निर्भीकता से कहते थे। उनके वक्तव्यों से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार की उन पर कड़ी नज़र रहती थी। यही कारण, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 ईस्वी में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया था, परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में रखा गया था। उनके क्रांतिकारी विचारों के चलते अंग्रेज़ों ने उन्हें जेल में ही बंद रखा था। कारावास के दौरान ही उनके 2 पुत्रों का देहांत हो गया। स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन की ओर उनका जब झुकाव था, तो जेल में रहते हुए ही उनके 2 पुत्रों का निधन हो चुका था। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे देश सेवा के मार्ग से विचलित नहीं हुए। सन 1946 ईस्वी में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तो बाबू राम नारायण सिंह को भी उसका एक सदस्य बनाया गया। ये बहुत गौरव की बात है कि हमारे झारखंड के बाबू राम नारायण सिंह को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। वहाँ उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में तथ्यपूर्ण ढंग से अपनी बातों को रखा था। सादगीपूर्ण जीवन शैली वाले बाबू राम नारायण सिंह न केवल स्वतंत्रता बल्कि सामाजिक सुधारों के प्रति भी सचेत रहते थे। हजारीबाग जिला परिषद उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई थी। छोटा नागपुर का शेर नाम से विख्यात इस महान हस्ती ने 24 जून 1964 ईस्वी को सदा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। यहाँ पर हम लोगों ने 2 व्यक्तित्व को पढ़ा था, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जिनको मरांग गोमके के नाम से वो प्रसिद्ध थे, और बाबू राम नारायण सिंह जिनका स्वाधीनता संग्राम से लेकर के संविधान बनाने तक में विशेष योगदान था और जिनको छोटा नागपुर का शेर के नाम की उपाधि दी गई थी। इन 2 महान शख्स के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो आज का पाठ हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।